नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन का कलाकार, और आप लोगों ने मुझे देखा महाभारत में द्रोणाचार्य के रूप में। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है, फादर्स डे, पिता का दिन। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल हमारे भोजपुरी, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो पा रहा हूँ। टेलीविजन में तो मैंने बहुत सारी भूमिकाएं पिता के रूप में की, फिल्मों में भी बहुत सारी जगह किया, कई फिल्मों में हीरो का पिता बना, कई जगह हीरोइनों का पिता बना। और मेरा ये सफर, मैं तो यूं कहूंगा कि 25 साल से इसी तरह चल रहा है। लेकिन आज एक ऐसा अवसर है जिसमें मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं, रील के पिता के रूप में नहीं बल्कि रियल पिता के रूप में। और ये ओकेजन है फादर्स डे। मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों का बिगड़ना और बनना माता पिता की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोचों को बदलें और अपने स्वभाव को बदलें, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और उनके उनकी सोच में भी बदलाव आएगा। एक अच्छे पिता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो आज के बच्चों को समझे, उन पे बोझ ना डाले, उनकी भावनाओं को समझे, उनके विचारों को जाने, और वो करना क्या चाहते हैं उसके बारे में उनसे खुलकर बात करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर लड़का जो है आईएएस ऑफिसर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ये एक प्रतिभा है जो हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन आपको ढूंढना है, आजकल के माँ बाप को ढूंढना है कि हमारे बच्चे में कौन सी प्रतिभा सबसे अच्छी है। देखिए, आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, जो मात्र 10वीं क्लास तक पढ़े थे और उनमें क्रिकेट की प्रतिभा थी। उनके पिता ने उनको पहचाना, उनकी माता ने उनको पहचाना, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ट्रेनिंग देनी शुरू की। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर साहब ने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। नहीं लगता आपको कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनका? लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब उनके माता पिता ने उनकी तरफ ध्यान दिया। मैं आज के पिताओं से और माताओं से ये आग्रह करूंगा और ये उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने बच्चों के अंदर टैलेंट को समझें और उसको बाहर लाने की कोशिश करें। आजकल देखिए कितने अच्छे रियलिटी शोज हो रहे हैं, म्यूजिक का हो रहा है, डांस का हो रहा है, तरह तरह के टैलेंट्स का हो रहा है। और ये नहीं है कि आपके बच्चे में यदि कोई प्रतिभा है तो उसको वहां से निकालने की कोशिश करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, ताकि वो भी जिस फील्ड में भी जाना चाहता हो। ऐसा नहीं है कि अच्छा सिंगर बनेगा तो नाम नहीं होगा, नहीं। अगर उसमें सिंगिंग की प्रतिभा है, उसमें खेलने की प्रतिभा है, उसमें डॉक्टरी की प्रतिभा है, या उसमें आईएएस ऑफिसर बनने की प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को आप लोग परखिए। आज की जनरेशन वो नहीं है कि हम बच्चों की क्रिटिसाइज करें, दोस्त बन के रहिए, उनके साथी बनिए। आजकल का मैं तो ये कहूंगा कि अच्छे पिता को अपने बेटों का, अपनी बेटियों का दोस्त बनना चाहिए, उनसे दोस्त बनकर बात करिए, उनके विचारों को जानिए, उनके टैलेंट को समझिए और कोशिश करिए कि आप उनकी प्रतिभा को बाहर लेकर आए। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक अच्छा इंसान बने, और ये अच्छे माँ बाप की सोच पर निर्भर करता है। आपको अपनी सोच को बदलना है, एक पिता की सोच को बदलना है। आज फादर्स डे है, आप लोग अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करिए, उनकी चीजों को समझने की कोशिश करिए। फादर्स डे के दिन मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात कहना जरूर चाहूंगा, और वो ये है कि आजकल के बच्चे मानसिकता के बहुत ज्यादा रोगी हो रहे हैं।
खासतौर से लड़कियों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जैसा कि आंकड़े कहते हैं, सर्वे कहता है, 10 में से 8 लड़कियों को मानसिकता की बीमारियां हो रही हैं। उसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? पढ़ाई लोड, माता पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर। इन सब चीज़ों से हमको अपने बच्चों को बाहर निकालना है, और ये तभी संभव हो सकता है जब माता पिता, खासतौर से पिता, अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसे व्यवहार करें। कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास होता है। बहुत सारी चीज़ें, मानसिकता के रोगी ऐसे होते हैं जिनको यदि अच्छा वातावरण दिया जाए और घर में माहौल अच्छा दिया जाए, अच्छा परिवार दिया जाए, अच्छे माता पिता का संगत दी जाए और दोस्ती जैसा व्यवहार दिया जाए, तो बच्चों की एप्टीट्यूड में और उनकी अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है। मैंने ऐसा बहुत सारी जगह देखा है, बहुत बार देखा है कि अच्छे माता पिता का अच्छा बिहेवियर बच्चों में एक बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा स्वभाव पैदा करता है। बच्चों की अच्छी ग्रोथ होने के लिए बहुत जरूरी है माता पिता का दोस्त। यदि आप दोस्त बनेंगे तभी आप अपने बच्चों को समझ पाएंगे, और यदि आप बच्चों को समझ पाएंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों पर सख्ती ना कीजिए, उन्हें रोकिए नहीं। यदि बच्चे कोई गलत रास्ते पर चल रहे तो आप उन्हें समझाइए और दोस्त बनकर समझाइए। बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कोशिश ये करिए कि मेरे बच्चे में टैलेंट कौन सा है, गुण क्या है। आजकल देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई में ही लड़का आईएएस ऑफिसर बनता है या डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है वही बहुत अच्छी नौकरी पा सकता है। नहीं, कमाने के बहुत सारे साधन हैं, टैलेंट बहुत तरह के हैं। एक अच्छा सिंगर बन सकता है, एक अच्छा कलाकार बन सकता है, डांसर बन सकता है, राइटर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, फोटोग्राफर बन सकता है। आज की फील्ड छोटी फील्ड नहीं है। आज का मॉडर्न युग ने हमको बहुत आगे बढ़ा दिया है। नेट पे बैठे बैठे आप लंदन में बैठ के अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, अमेरिका में बैठ के ढूंढ सकते हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके बच्चे में प्रतिभा कौन सी है और उस प्रतिभा को बाहर निकालने की कोशिश करिए, साथ दीजिए उसका, दोस्त बनकर, माता पिता बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर, एक अच्छे दोस्त बनकर। और देखिए, एक दिन वही आपका नाम बहुत बड़ा रोशन करेगा। आज की तारीख में काम के लिए फील्ड छोटा नहीं रह गया। टेलीविजन, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें आधुनिक, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसने हमारे बहुत सारे रास्ते खोल दिए, और उन सब चीज का लाभ आपने उठाया। इसलिए बच्चों पे सिर्फ पढ़ाई का भार ना देखें। अगर उसमें पढ़ने की प्रतिभा है तो उसको इंकरेज करिए, पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस ऑफिसर बनाइए। लेकिन अगर आपके बच्चे में कोई और प्रतिभा है तो उसे भी बाहर निकालने की कोशिश करिए, उसको साथ दीजिए। जी हाँ, मैं एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूं। आज जो बड़े बड़े सिंगर बने हैं, सोनू निगम है, श्रेया घोषाल है, ये जो इतने यंग लड़के, इतने यंग टैलेंट आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि पैसा क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। सवाल इस चीज का है कि वो अपनी प्रतिभा के द्वारा कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं ये समझ सकता हूँ कि उन लोगों के माँ बाप अपने आप को कितने गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे जिनके बच्चों में एक अच्छा टैलेंट होता है। तो हम ये पुरानी दकियानूसी लाइन को छोड़कर, बल्कि हमको आज की सोच में जीना चाहिए, आज की सोच में चलना है, और ये देखना है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनको आगे पहुंचाने में, उनको मकसद तक ले जाने में और गोल अचीव कराने में कितने बड़े साथी बनते हैं, कितनी उनकी मदद करते हैं, ये एक अच्छे पिता के ऊपर निर्भर करता है।
कोशिश करिए आप लोग भी एक अच्छे पिता बनिएगा। फादर्स डे कहने को तो कुछ भी नहीं है, पर मानिए तो बहुत कुछ है। ये फादर्स डे सिर्फ इसलिए है कि आप सब लोग अपनी ग्रोथ को, अपनी इस पौध को बहुत खूबसूरत बनाए, बहुत अच्छा। ये एक अच्छे पिता पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, बहुत प्यार से सुना, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी। हिंदुस्तान के सभी बच्चों को, सभी बेटियों को मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।